वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच इस वक्त लॉकडाउन पार्ट 3.0 का छठा दिन है और एसकेवी न्यूज की टीम ने दौरा किया है रेड जोन के लॉकडाउन का, जहां मई माह की दोपहर में तापमान है 41 डिग्री। आइए देखते हैं सड़कों का एक नजारा। नमस्कार, मैं एसकेवी न्यूज से रुपेंद्र शर्मा अपने कैमरामैन कौशल के साथ लॉकडाउन 3.0 के छठे दिन इस वक्त भीषण गर्मी यानी कि मई माह की जो गर्मी पड़ रही है उसमें मौजूद हूँ वैशाली नगर चौपाटी पर। जी हाँ, इस समय आप देख सकते हैं सड़कों का नज़ारा बिल्कुल सुनसान सड़कें हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लिहाजा कुछ ज़रूरी काम से निकले लोग ही सड़कों पर नज़र आएंगे। उसके अलावा हर जगह बिल्कुल सुनसान सड़कें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मैंने देखा है कि टेम्परेचर है वो 41 यानी 41 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, जिसके चलते भीषण गर्मी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस लॉकडाउन में लोगों को कानून की पालना कराने के लिए पुलिस जवान जो हमारे हैं वो मुस्तैदी से यहाँ डटे हुए हैं। हर आने जाने वाले वाहन का यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि वो किस लिए निकला है सड़क पर और क्यों निकला है, क्या उसके पास में जरूरी है, पास है या नहीं, या वो वैसे ही तफरी मारने निकला है। इस भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर SI श्री बलवीर खान जी मौजूद हैं, जो इस भीषण गर्मी में कड़क धूप के अंदर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। सर, ये किस तरह से आप ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है उसके बावजूद आप अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं? बिल्कुल डटे हुए हैं। क्या 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 और कितने लोग लगे हुए हैं आपके साथ ड्यूटी? मेरे साथ 4 आदमी हैं। क्या आप चेकिंग वगैरह कर रहे हैं? बिल्कुल चेक पास वास कर रहे हैं जो आ रहे हैं, जिनके वाजिब काम है वो आ रहे हैं, जिनको पास देख रहे हैं पास करके देख अलाउ करते हैं। आपको यहाँ पर छाया और पानी का कुछ इंतजाम नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ना, इंतजाम तो है, वैसे टेंट लगा रखा है हमारे प्रशासन तरफ से, पानी के कैंपर भी पड़े हैं, बिल्कुल सुविधा है, जैसे कोई दुविधा नहीं। इस समय देख सकते हैं 41 डिग्री टेम्परेचर के बीच जो है ये पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ डटे हुए हैं इस लॉकडाउन में लोगों को कानून की पालना कराने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूटी पर और भी जो जवान हैं वो इतनी कड़क धूप के अंदर खड़े हुए हैं, हालांकि उनके लिए यहाँ एक छोटा मोटा टेंट लगा हुआ है, एक छतरी लगी हुई है, लेकिन उससे भी कैसे बचाव हो सकता है जबकि लोग घरों में AC कूलर और पंखों की छाँव में बैठ कर इस गर्मी के अंदर अपने आप को सुलभ महसूस कर पा रहे हैं। उसके बावजूद सड़कों पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से सन्नाटा है और लोग अपने ज़रूरी कामों के लिए निकल रहे हैं। ये लॉकडाउन का आज 3.0 का जो है छठा दिन है। इकतालीस डिग्री सेंटीग्रेड में इस वक्त ये नज़ारा है वैशाली नगर का। यहाँ आप देख सकते हैं सड़कें बिल्कुल सूनी हैं, दोपहर का वक्त है, लोग लॉकडाउन की पालना करते हुए अपने अपने घरों में कैद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का वाहनों की आवाजाही दिखाई दे रही है। ये रास्ता वैशाली नगर से पुष्कर रोड की ओर जाता है, जिस पर आप अभी ये नज़ारा देख सकते हैं कि गर्मी के दौरान किस तरह से लोग अपने ज़रूरी कामों के लिए ही सिर्फ बाहर निकल रहे हैं, वरना सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। कोरोना वायरस जो महामारी है वो अजमेर में तेज़ी से पैर पसार रही है, जिसके चलते आज अजमेर के अंदर 11 और नए पेशेंट आए हैं, जिसके चलते कोरोना पॉजिटिव की संख्या 209 हो चुकी है। ये बेहद बुरी खबर है अजमेर के लिए कि अजमेर रेड जोन में है और 7 छाना क्षेत्रों के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। आज आदर्श नगर में जो कोरोना पॉजिटिव महिलाएं पाई गई, उसके बाद आदर्श नगर के कुछ हिस्से में भी पुलिस प्रशासन की ओर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू के चलते लोगों की बिल्कुल आवाजाही बंद कर दी गई है, जीरो मोबिलिटी उसको घोषित किया गया है। इसके अलावा दरगाह बाज़ार यानी दरगाह थाना, मदार गेट यानी क्लॉक टावर थाना, गंज और रामगंज का कुछ क्षेत्र कर्फ्यू के इलाके में आता है। इन सभी थाना क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये वैशाली नगर का रोड है, हालांकि यहाँ कर्फ्यू नहीं है, बावजूद इसके लोग घरों में कैद हैं। लोगों को कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस से बचाव है करना है तो घरों में ही रहना होगा और कहीं जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से इस भीषण गर्मी यानी मई माह की गर्मी के अंदर 41 डिग्री टेम्परेचर के बीच लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। हमने आपको वैशाली नगर सहित और कई इलाकों का
दौरा कराया, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। इस भीषण गर्मी में इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पुष्कर रोड चौराहे पर भी वही स्थिति नज़र आ रही है, चारों तरफ सुनसान नज़र आ रहा है, सड़कों पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, लोग जरूरी अपने कामों से ही निकल पा रहे हैं, इसके अलावा हर जगह बंद है। सामने से एक जो आप देख सकते हैं कि शव यात्रा आ रही है, बैकुंठ धाम यात्रा, जो जिसमें प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी अंतिम यात्रा में 20 से ज़्यादा लोग ना हो। तो आप देख सकते हैं एक कार और 3 2-व्हीलर पर सवार लोग ही इस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से शव यात्रा के अंदर कुछ ही लोग जा पा रहे हैं। मैं इस वक्त पुष्कर रोड से रूपेंद्र शर्मा अपने कैमरामैन कौशल के साथ SKV न्यूज़ के लिए।